हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ रवि, आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। ये उस दिन जो मैंने मंथली एक्सपायरी के दिन जो ये वाला ट्रेड दिया था मैंने जीरो हीरो का, उसके पीछे क्या लॉजिक था और क्यों हम ये कैच कर पाए उस जीरो हीरो को जो 4 रुपये से ऑलमोस्ट 34x हो गया था, जिसने हाई लगभग 136 का लगाया था। उसके पीछे का क्या लॉजिक था और क्या सोच थी कि वहाँ से एक पी लेना चाहिए जो कि बिल्कुल ही जीरो हो चुका था। अगर सेलर्स की प्रस्पेक्टिव से देखेंगे तो वो बिल्कुल 2 रुपये कुछ पैसे का लो लगाया था और मैंने दिया था बिल्कुल बॉटम पे, हमने कैच किया था। अगर आप देख पाएंगे यहाँ पे, मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ पे, ये देखो 2:55 पे मैंने ये दिया था जीरो हीरो ट्रेड, 22,400 का पी 4 रुपये। और जिसने हाई अगर देखोगे आप तो लगभग इसने जो हाई लगाया 34x का हो गया था, ये यहाँ पे देखोगे तो 136 का हाई लगा दिया था 3:11, मतलब लगभग 10 से 15 मिनट में ही इसने पैसे को 34x कर दिया था। और ये मेरे लेवल्स थे यहाँ पे, अगर देखोगे ये मैंने लाइव मार्केट में भी अपडेट दिया था कि यहाँ पे मार्केट फाइनल टारगेट यहाँ पे डन हो चुका है निफ्टी का। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये वाला 4 से लेके 136 रुपये में ये हाई लगा चुका था। और ये जो मैंने कॉल दिया था, ये जो प्रोवाइड करते हैं हम यहाँ पे टेलीग्राम चैनल पे, ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए होता है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो 22,400 का हमने सी भी यहाँ पे एजुकेशनल पर्पस के लिए या यहाँ पे लर्निंग के लिए दिया था, जो 55 से लेके 58 रुपये की रेंज में मैंने दिया था। उसने भी अगर आप यहाँ पे देखोगे तो ऑलमोस्ट पैसा जो है डबल कर दिया था। इसने भी लगभग 132 रुपये का हाई लगा चुका था। तो यहाँ पे अगर देखोगे मैंने लाइव मार्केट में जब मार्केट चल रहा था निफ्टी, बैंक निफ्टी का मैंने 22:12:50 में मिनट पे यहाँ पे बैंक निफ्टी का भी लेवल मैंने प्रोवाइड किया था कि बैंक निफ्टी अब यहाँ से कहाँ जाएगा। और निफ्टी का भी अगर देखोगे 12:50 में मैंने दिया था कि मैंने ओपन करता हूँ ये वाला जो है बैंक निफ्टी का टारगेट आने वाला है, तो ये मैंने लाइव मार्केट में अपडेट दे दिया था। और उसी तरह से जो व्यू था मेरा उस तरह से मार्केट गया भी। अगर यहाँ पे देखोगे उसके बाद का अपडेट, यहाँ पे 12:50 पे मैंने दिया था अपडेट। और यहाँ पे अगर देखोगे 2:23 पे यहाँ पे टारगेट अचीव हो चुका था। यहाँ पे जो लगभग 480 से लेके 500 का जो टारगेट था वो अचीव हो चुका था। यहाँ पे मैंने लिख भी दिया था कि निफ्टी डन 100% जो लेवल था अपना, ये 100% अचीव हो चुका है। और उसके बाद मैंने यहाँ पे दिया था जीरो हीरो वाला ट्रेड 22,400 का पी। तो वो क्यों दिया था, उसके पीछे क्या लॉजिक था, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं चार्ट पे, मैं आपको वो लेवल्स भी दिखाऊंगा कि क्या लॉजिक था उसके पीछे। अब यहाँ पे देखो, पहले हम डेली चार्ट लगा लेते हैं। अभी यहाँ से जो है आपको सोचना है, आप ऑप्शन बायर की नज़र से नहीं, आप एक ऑप्शन सेलर हो इस नज़रे से, उसके प्रस्पेक्टिव से सोचो कि अगर एक आप एक अगर ऑप्शन सेलर होते तो यहाँ पे निफ्टी का ऑल टाइम हाई जो था लगभग 500 का लेवल था, है ना। तो ये समझ रहे हैं हम कि मैंने क्यों दिया था, उसके पीछे का लॉजिक क्या है और क्या उस वक्त आपका सोच होनी चाहिए। मंथली एक्सपायरी थी, मंथली एक्सपायरी के पास जो एक्सपायरी के दिन जो है बड़े मोमेंटम हमें मिलते हैं, वो कैसे कैच करने हैं वो हम समझते हैं सेलर की प्रस्पेक्टिव से। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये था 22,500 का साइकोलॉजिकल नंबर था ये, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि अगर आप एक ऑप्शन सेलर हो तो जब यहाँ पे 11 मार्च के दिन यहाँ पे इतनी बड़ी एक रेड कैंडल बन गई, फॉर्म हो गई, तो ऑप्शन सेलर के लिए सबसे अच्छा मौका था कि दूसरे दिन जो है 22,400 का, 22,500 का, ये अगर थोड़ा सा ऊपर का ये स्विंग हमें मिल चुका था ऑप्शन सेलर की नज़र से, 22,500 का जो कॉल था यहाँ पे, कोई भी अगर ऑप्शन सेलर होगा या बड़े प्लेयर्स होंगे उन्होंने यहाँ पे 22,500, 600, 22,400 ये सब कॉल जो है यहाँ पे सेल कर दिए होंगे इस दिन। कौन से दिन, 12 मार्च को, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। तो ऑप्शन सेलर क्या करेगा, 22,500 का यहाँ पे उसने कॉल
कॉल सेल कर दिया, 22,400 का यहाँ पे सेल कर दिया और आराम से बैठ गया। मंथली वाला मैं बात कर रहा हूँ, ये यहाँ पे वीकली का बात नहीं चल रहा है, क्योंकि ये वाला जो है 22,500 साइकोलॉजिकल नंबर है। यहाँ पे बड़े प्लेयर्स के बड़े पोजिशंस होते हैं यहाँ पे, तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझने की कोशिश करो। ऑप्शन बाइंग का थोड़ी देर, थोड़ी टाइम के लिए दिमाग से निकाल दो, पहले इस चीज़ को समझो कि सोच क्या होनी चाहिए पर्टिकुलर दिन के लिए, मंथली एक्सपायरी के दिन। तो यहाँ पे 22,500 साइकोलॉजिकल नंबर था पहली बात। दूसरी बात, यहाँ पे अगर देखोगे तो इस दिन सब सेलर एक्टिव हो गए होंगे। यहाँ पे उन्होंने 22,500 का कॉल जो है यहाँ पे 12 मार्च को सेल कर दिया होगा पोजिशनली मंथली का। तो मैं आपको उसका भी चार्ट दिखाऊंगा कॉल का। तो यहाँ पे अगर हम 12 मार्च को देखेंगे तो ये 22,000 मैंने 400 का लिया है, ये वाला कैंडल इग्नोर कर देना, ये कुछ ग्लिच है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये मैंने 22,400 का कॉल लगा दिया है यहाँ पे। तो 12 मार्च को देखोगे अगर आप, यहाँ पे रिजेक्शन मिला स्पॉट चार्ट पे, निफ्टी के स्पॉट चार्ट पे। तो यहाँ पे अगर देखोगे कॉल का प्राइस कितना चल रहा था, प्रीमियम 375 रुपये, यहाँ पे इसने हाई लगा चुका था। मतलब समझो आप, ये ऊपर के 77 पॉइंट्स आप छोड़ दो, 75 पॉइंट्स, 300 रुपये में अगर किसी सेलर ने यहाँ पे, अगर देखोगे 300 में, 300 के प्राइस पे किसी सेलर ने यहाँ पे कॉल को शॉर्ट कर दिया, क्योंकि उनको यहाँ पे रिजेक्शन मिल चुका था ऑल टाइम हाई के पास। सबको पता है कि ये प्रॉफिट बुकिंग आती है, अगर आप प्रीवियसली बैक टेस्ट भी करोगे तो यहाँ पे भी देखो, अगर इस पॉइंट पे जब मार्केट यहाँ पे आया तो यहाँ से एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिली थी। तो यहाँ पे भी इस दिन भी अगर आप कोई यहाँ पे अगर आप ऑप्शन सेलर हो तो यहाँ पे अगर आप कोई कॉल सेल कर देते तो भी प्रॉफिट होता, या पुट बाय करते तो भी आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता। तो ऑल टाइम हाई के पास जनरली ये प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने मिलती है। तो 12 मार्च को जब मार्केट चल रहा था 22,300, तो यहाँ पे कॉल का प्रीमियम जो है 12 मार्च को चल रहा था 300 के लगभग, 300 के ऊपर ही चल रहा था। यहाँ पे अगर कोई सेल करके बैठा है मंथली का तो उसको आराम से डीके का मिलने वाला है, जो डीके फैक्टर होता है, जो कि एक ऑप्शन ग्रीक्स है अगर आपको पता है तो यहाँ पे उसको डीके का फायदा मिलने वाला था, क्योंकि 22,500 जो साइकोलॉजिकल नंबर था, जो उसको रिगेन अगर मार्केट को करना है तो उसको टाइम लगने वाला था। तो उनका व्यू ये होगा कि यहाँ से हम बेच देंगे मंथली का तो वो एक्सपायरी तक जीरो जीरो हो जाएगा, जो कि उनको बेनिफिट मिला भी। अगर अभी यहाँ पे देखो, ये देखने वाली चीज़ है कि ऑप्शन सेलर डरता क्यों नहीं है जल्दी से। तो ये वाला कैंडल अगर देखोगे 14 मार्च का, यहाँ पे बाउंस भी आया है, ठीक है, 14 मार्च की कैंडल में बाउंस आया है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे कितना बाउंस आया 14 मार्च को। देखो यहाँ पे लो लगा, यहाँ पे देख सकते हो आप फिगर जो है, इसका लो अगर देखोगे 100 रुपया है और हाई लगा, हाई अगर देखोगे तो 192 है। और क्लोजिंग प्राइस अगर देखोगे इसका, इसका क्लोजिंग प्राइस देखोगे तो 154 है, ठीक है। इतना बड़ा बाउंस यहाँ पे लगभग मार्केट ने 21,920 से लेके 211, इतना बड़ा हाई लगाया, लेकिन फिर भी यहाँ पे अगर देखोगे ऑप्शन प्रीमियम में इतना कुछ खास मोमेंटम मिला नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन सेल करके वो लोग आराम से बैठे हुए थे, ठीक है। और यहाँ पे अगर देखोगे तो ये पूरा, अब स्पॉट चार्ट पे अगर देखोगे इस दिन के बाद मार्केट ने नीचे भी डिप लगाया, उसके बाद ऊपर भी आया, और इस दिन तक अगर देखोगे वेनसडे 27 मार्च तक भी अगर देखोगे तो लगभग यहाँ पे क्लोजिंग अगर देखोगे मार्केट की स्पॉट चार्ट की, निफ्टी की 22,127 का यहाँ पे क्लोजिंग था। लेकिन ऑप्शन प्रीमियम अगर आप देखोगे 27 मार्च को, तो लगभग ये कितना लो लगा चुका था, ये 2 रुपये का लो यहाँ पे 27 मार्च को लगा चुका था। मतलब मार्केट ने, स्पॉट चार्ट ने यहाँ पे ऊपर के साइड मूवमेंट किया, फिर भी यहाँ पे ऑप्शन का जो प्रीमियम था वो डीके ही होता चला गया, क्योंकि दिन जैसे जैसे एक्सपायरी जो है लास्ट मंथली जैसे पास पे आती जाएगी, वो डीके होने वाला है, ये ऑप्शन सेलर को पता है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो 27 मार्च, 26 मार्च जो है हाई लगाया था 28 का और लो लगा चुका था 5 रुपये 80 पैसे, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है कि ऑप्शन सेलर कितने आराम से पैसा कमाता है यहाँ पे,
यहाँ पे इसने 300 रुपये पे यहाँ पे सेल किया था, और यहाँ पे 26 मार्च को देखोगे तो लो लगा चुका था 5 रुपये 80 पैसे, मतलब उसको लगभग 295 रुपये, 295 पॉइंट्स यहाँ पे उसको गेन हो चुका था। उसने कुछ नहीं किया, बस यहाँ पे देखा स्पॉट चार्ट पे कि यहाँ पे रिजेक्शन मिला है ऑल टाइम हाई के पास, तो मार्केट को रीगेन करने के लिए काफी टाइम लगने वाला है, तो उसने यहाँ पे मंथली का ऑप्शन सेल कर दिया और आराम से बैठ गया। मार्केट ऊपर भी आया है यहाँ पे, फिर भी उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ऑप्शन पूरा डीके हो चुका था। तो अब आते हैं हम 5 मिनट के चार्ट पे, ठीक है। ये 22,400 का जो कॉल था अपना, ये वही है। मैं इसको यहाँ पे एक बार सेशन ब्रेक ओके लगा दिया है। तो यहाँ पे अगर देखोगे आप, अब यहाँ पे सोचने वाली बात क्या थी, मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ, ठीक है। इस दिन अभी एक्सपायरी का दिन था, ठीक है। वो लोग तो पूरा डीके, यहाँ तक ऑलरेडी डीके हो चुका था पहले दिन, तो उनको रुकने की जरूरत नहीं थी, लेकिन फिर भी वो जीरो होने के तक, कुछ लोग होते हैं कि जीरो तक वेट करते हैं। तो ये 22,400 का कॉल था, लगभग यहाँ पे जीरो, ऑलमोस्ट जीरो तो हो ही गया आखिर में, लेकिन ये बाउंस दिया उसने। तो जो आप ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से सोचोगे, या कभी अगर आप ऑप्शन बाइंग के डिटेल्स में अगर गए हो, तो आपको पता होगा कि ऑप्शन सेलर का जो एग्जिट पॉइंट होता है वो हमारा ऑप्शन बायर का जो होता है वो बाइंग पॉइंट होता है। ये बात आप समझ लो या पढ़ लो कहीं पे, या तो एक्सपीरियंस कर लो कि जहाँ पे उनकी पोजिशन एग्जिट होना शुरू होते हैं वहाँ, वहीं पे हमें एक चांस मिलता है ऑप्शन बाइंग का, क्योंकि वो पोजीशन अपना स्क्वेयर अप करते हैं तो वो जो बाउंस आता है वो हमारा ऑप्शन बाइंग का एक पॉइंट होता है। मैं आपको लाइव एग्जांपल में दिखा दूंगा किस तरीके से होता है वो। तो अगर ये आपको समझ में आया, 22,400 का कॉल था जो 300 रुपये हमने पकड़ा था कि मंथली में उन्होंने 300 पे सेल कर दिया था, और यहाँ पे लगभग वो 2 रुपये पे आ चुका था, मतलब उनको 300 सवा 300 रुपये का प्रॉफिट, पॉइंट्स का प्रॉफिट उनको हो चुका था। तो यहाँ पे अब हम जाएंगे 22,400 की पुट में, ठीक है। 22,400 का पुट, मंथली का ही मैंने चार्ट लगाया हुआ है क्योंकि मंथली एक्सपायरी थी। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये पुट का चार्ट है, ठीक है। इसने अगर देखोगे उस दिन का लो, ये फॉल होने से पहले, ये जो जीरो हुआ उससे पहले लो अगर देखोगे तो 1 रुपये 50 पैसे का लो था, और इसका हाई अगर देखोगे 136 का हाई लगा चुका था। ये वाला जो है हमने कैच किया था, ये 15 मिनट का चार्ट है, मैं इसे 5 मिनट कर देता हूँ। तो मैंने उसका जो बाइंग दिया था, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ पे मैंने इसको बाइंग दिया था। डेली, एक मिनट, डेली वैल्यू लगा देता हूँ मैं, ये जो लो था, तो मैं यहाँ पे इसका लो मार्क कर देता हूँ 4 रुपये, ठीक है। ये मोमेंटम मैंने कैच किया था, ये अपने फ्री टेलीग्राम पे मैंने दिया था। तो अगर आप अभी तक इस चैनल से नहीं जुड़े हो, ये मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे मैं डेली जो है लाइव मार्केट में लेवल्स प्रोवाइड करता हूँ, निफ्टी बैंक निफ्टी के, फिर निफ्टी के एक्सपायरी के लिए जीरो जीरो ट्रेड देता हूँ मैं यहाँ पे फ्री में। ये सब एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है। तो आप एजुकेशनल पर्पज़ के लिए इस चैनल से जुड़ सकते हो, और मेरा यूट्यूब चैनल भी है, उससे भी आप जुड़ सकते हो, मैं आपको उसका बाद में दिखा दूंगा यूट्यूब चैनल का, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे ये था इसका लो, जो मैंने ये कॉल दिया था 4 रुपीज का, सॉरी यहाँ पे कॉल ही लग गया फिर से, 22,400 का निफ्टी का पी, निफ्टी 22,400 का पी 28 मार्च, ठीक है। इसको मैं एक बार लगा लेता हूँ, हाँ इसमें तो मैंने लगा लिया है। देखो अब ये ट्रेड देने का रीजन क्या था, स्पॉट चार्ट पे आ जाओ। अभी ये डेली था, इसको भी हम 5 मिनट कर लेते हैं। अभी ये आपको याद रखना है कि डेली में जो है हमने रेजिस्टेंस, हमको पता है कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है ऑल टाइम हाई के पास, ठीक है। दिन कौन सा भी हो, ये तो अच्छा था कि ये एक्सपायरी का दिन था इसीलिए हमें वो ट्रेड मिल गया,
इतना जबरदस्त ट्रेड हमें मिला था ये वाला, लगभग 34x। अगर आप सोचो 34x कितना होता है, 4 रुपए का ट्रेड था सिर्फ, 200 रुपए का आपका रिस्क जीरो होते तो 200 रुपए आपके जाते, लेकिन अगर गेन हुआ तो देखो कितना बड़ा हमें गेन मिला एक्सपायरी के दिन। तो ये वाला मेरा व्यू था जब मार्केट यहाँ पे चल रहा था, मैंने आपको दिखाया 12:50 पे, तो मेरा यहाँ से व्यू था कि मार्केट यहाँ तक जाएगा जो कि हमारा टारगेट अचीव हो चुका था। ठीक है, तो यहाँ पे ये ट्रेड हमने क्यों पकड़ा, देखो सबसे पहली बात 22,500 जो था पिछला ऑल टाइम हाई था उससे थोड़ा सा ऊपर भी था। ठीक है, और यहाँ पे जो था मार्केट फर्स्ट टाइम ये टच कर रहा था जहाँ से फॉल हुआ था मार्केट पिछला, तो यहाँ से एक रिजेक्शन या प्रॉफिट बुकिंग आने वाली थी ये फिक्स था। ये मैं क्यों सोच रहा था, देखो मंथली एक्सपायरी थी, जिन्होंने भी मैंने जो आपको दिखाया 22,400 का कॉल जो शॉर्ट किया था जिन बड़े प्लेयर्स ने, तो उन्होंने क्या किया, यहाँ पे आने के बाद अपनी पोजीशंस काटना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने 22,500, 400, 600 के जो कॉल्स थे वो शॉर्ट किए थे। मतलब क्या किया था उन्होंने, कॉल को सेल कर चुके थे वो लोग मंथली में। ठीक है, सेल कर चुके थे, तो यहाँ पे जब उनको प्रॉफिट अपने अकाउंट में लेना था तो उनको वो अपनी पोजीशन एग्जिट करनी थी। मतलब क्या करनी थी, यहाँ पे उनको वो कॉल जो था उनको बाय करना था। तो जो बड़े प्लेयर्स थे, बड़े पोजीशंस थे, बड़े कॉन्ट्रैक्ट थे, क्वांटिटी में थे, तो ये यहाँ पे इस पॉइंट पे जब वो आ चुका था और उन्होंने जो सेल किया था उसको उनको एग्जिट करना था। मतलब क्या हुआ, उनको वो पोजीशन बाय करनी पड़ेगी। एग्जिट करना मतलब क्या है, सेल किया था तो उनको बाय करना पड़ेगा। तो यहाँ से जब भी उनका पोजीशन कटना शुरू हुआ, जो पोजीशन एग्जिट करने शुरू हो गए, तो वो हो गई बाइंग। तो वो था ऑप्शन बायर के लिए चांस कि यहाँ पे पुट एक बाय कर सकते थे क्योंकि उनकी पोजीशन यहाँ पे कटना शुरू हुआ था। तो बड़े पोजीशंस थे तो यहाँ पे एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से एक बड़ा फॉल आएगा क्योंकि बड़े पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो रहे हैं, तो वो एक ही साथ में थोड़ी पोजीशन स्क्वेयर ऑफ हो, है ना, उनका बल्क क्वांटिटी होता है। तो वो धड़ाधड़ से यहाँ पे पोजीशन एग्जिट करना शुरू कर दिया, तो उन्होंने जो कॉल सेल किए थे वो बाय करना शुरू कर दिया, तो ये बाउंस आया नीचे की साइड में। समझ रहे हो आप, यहाँ पे उन्होंने कॉल का जो प्रीमियम उन्होंने 300 रुपये, 350 रुपये में सेल किया था वो उनको यहाँ पे बाय करना पड़ा क्योंकि वो जीरो हो चुका था, ऑलमोस्ट जीरो हो चुका था, है ना। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, पुट साइड में यहाँ पे उनका जो कॉल साइड का जो पोजिशन एग्जिट हो रहे थे तो वो जो बाउंस था ये बाउंस हमने यहाँ पे पकड़ लिया। आप समझ में आ रहे हो आपको, अगर समझ में नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं फिर से आपको एक्सप्लेन कर दूंगा दूसरा वीडियो बना के। तो आप जो भी चीज़ समझ में नहीं आई या आपको कुछ और डिटेल में एक्सप्लेनेशन चाहिए तो मैं इसका एक्सप्लेन कर दूंगा। जो बिगिनर है थोड़ा सा उनको समझने में दिक्कत हो रही होगी, और जिनको थोड़ा सा एक्सपीरियंस है 1 साल का 2 साल का तो उनको समझ में आ रहा होगा। जिनको थोड़ा बहुत भी ग्रीक्स अगर पता है, जिसको हम ये जो बाउंस है उसको इसे कुछ गामा ब्लास्ट भी कहते हैं, तो उसको समझो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे जब मैंने यहाँ पे देखा कि यहाँ पे जो बड़े प्लेयर से टाइम भी खत्म हो चुका था, अगर देखोगे यहाँ पे 2:40 हुए थे यहाँ पे, मतलब 3 बजने वाले थे, और मैंने जो दिया था इस वाले कैंडल पे मैंने दिया था ट्रेड 0-0 का, जब मैंने देखा कि यहाँ पे परफेक्टली रिजेक्शन यहाँ पे मिल रहा है जो 500 का लेवल था, तो यहाँ पे उनके पोजीशन कटना जब शुरू हो गए कॉल साइड के जिन्होंने सेल किया था, तो पुट बाइंग में हमें हमें यहाँ पे एक चांस दिखा कि यहाँ पे मैंने देखा ये बस 4 रुपये चल रहा था, 100 पॉइंट नीचे का मैंने दिया था। यहाँ पे जब मार्केट था लगभग 60 पॉइंट ऊपर नीचे टारगेट था, 400 का मैंने दिया था, तो यहाँ पे 4 रुपये जब मैंने देखा कि ये 4 रुपये चल रहा है तो ये बाउंस कर सकता है क्योंकि बड़े पोजीशन यहाँ पे अभी स्क्वेयर ऑफ होने वाले हैं, तो ये बड़ा फॉल आ सकता है। पोजीशन इनके स्क्वेयर ऑफ आसानी से, मतलब ये कुछ छोटा मोटा पोजीशन नहीं है कि 200-500 क्वांटिटी, ये बल्क में क्वांटिटी होगी क्योंकि साइकोलॉजिकल नंबर था। बड़े जो इन्वेस्टर होते हैं, सेलर्स होते हैं, उनके पोजीशन यहाँ पे कटने वाले हैं,
तो यहाँ से एक बड़ा प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। तो मैंने वो सोच के यहाँ पे जो 4 रुपया चल रहा था ये मैंने ट्रेड दिया था अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में, ये 4 रुपये से 136 इसने हाई लगाया था। ये ट्रेड के पीछे का लॉजिक था, मंथली एक्सपायरी थी, यहाँ पे बड़े पोजीशन कटने वाले थे, ये मैंने अज्यूम कर लिया था कि यहाँ पे एक प्रॉफिट बुकिंग होने वाली है। ये रोल ओवर हो चाहे पोजीशन स्क्वेयर ऑफ करना हो, उनको मंथली एक्सपायरी की जो दिन होता है उनको अगर पोजीशन कैरी फॉरवर्ड करना है तो उनको पहले वाले पोजीशन जो होते हैं उनको एग्जिट करना पड़ता है, उसके बाद वो रोल ओवर के लिए नए पोजीशन क्रिएट करते हैं, तो उनको यहाँ पे एग्जिट करना ही करना था। ये मेरा सबसे जो मैं सोच रहा था, ये मेरा सबसे बड़ा रीज़न था। ये साइकोलॉजिकल नंबर है 22,500, यहाँ पे उनको अपने जो मंथली के जो कॉन्ट्रैक्ट्स है उनको यहाँ पे स्क्वेयर अप करना पड़ेगा, जो सेलर थे उनको जो सेल करके गए थे उनको यहाँ पे अपनी पोजीशन बाय करनी पड़ेगी, जो एग्जिट करने वाले वो पोजीशन अपनी यहाँ पे बाय करेंगे। अगर यहाँ पे पोजीशन इस पॉइंट से कटने स्टार्ट हो गए तो यहाँ पे पी में एक बाउंस आएगा, वो भी तगड़ा वाला, ये मैंने सोचा। और यहाँ पे जो 4 रुपया चल रहा था वो मैंने यहाँ पे दे दिया, जिसने 136 का हाई लगाया, जो आप यहाँ पे टेलीग्राम पे भी चेकआउट कर सकते। उससे पहले जो था मैंने सी का भी ट्रेड दिया था यहाँ पे, जो मैंने व्यू रखा था कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जाएगा यहाँ तक, तो मैंने ये 22,400 का सेम मैंने कॉल दिया था, जिसने भी लगभग अगर देखोगे कैपिटल डबल हो गया था, 55 से लेके 58 रुपये मैंने दिया था, इसमें अगर देखोगे आप तो पैसा डबल, ये मैंने लिखा भी था 132 का यहाँ पे हाई लगाया था, मतलब डबल से भी ज़्यादा कैपिटल हो चुका था। मैंने सी का भी ट्रेड दिया था और सेम टाइम पे मैंने उसके बाद ये यहाँ से मैंने सी का ट्रेड दिया था और यहाँ तक हमने पकड़ा था जहाँ पे कैपिटल डबल हुआ, और यहाँ से मैंने पी का ट्रेड दिया जिसने आप देख रहे हो 34x जो है 34+x यहाँ पे हो चुका था। तो इस तरह से आप जीरो जीरो ट्रेड जो है यहाँ पे पकड़ सकते हो। अगर आपको सीखना है कैसे पकड़ते हैं, क्या व्यू होना चाहिए एक्सपायरी के दिन, अभी तो हर दिन एक्सपायरी होती है, तो ऐसे जीरो जीरो में यहाँ पे देते रहता हूँ जिसमें कैपिटल ऑलमोस्ट 10x होता है, 5x होता है, डबल होता है, 4x होता है, बहुत सारे आप चेकआउट कर सकते हो इस टेलीग्राम चैनल पे। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, आप अगर अभी तक टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो, यहाँ पे हम निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी के जो डेली का एनालिसिस वीडियो होता है वो यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, कुछ स्विंग ट्रेड होते हैं, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, कुछ पेन स्टॉक्स होते हैं, इनका जो है एनालिसिस वीडियोस यहाँ पे हम प्रोवाइड करते हैं। ये सब जो वीडियोस होते हैं एजुकेशनल पर्पस के लिए मैं यहाँ पे डालता हूँ। अभी बहुत दिन से मैंने निफ्टी बैंक निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस नहीं डाले। यहाँ पे अगर देखोगे रिको ऑटो मैंने यहाँ पे बाइंग दिया था, तो परफेक्टली जो लेवल था मैंने बाइंग का दिया था, जब वो ऊपर चल रहा था तो मैंने दिया था कि वेट करके आप यहाँ पे बाइंग का अपने लेवल का वेट कर सकते हो। उसके बाद अगर देखोगे तो उसने काफ़ी अच्छा रिटर्न हमें 8 दिन के अंदर ही दिया है, आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। ऐसे मैंने एस्टल का दिया था, रेन इंडस्ट्रीज इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म के लिए भी मैंने दिया था, कुछ इंडिकेटर्स की वीडियोस मैंने यहाँ पे प्रोवाइड किए हुए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पे अगर देखोगे इस टेलीग्राम चैनल पे मैंने ये डीप इंडस्ट्रीज यहाँ पे दिया हुआ था स्विंग ट्रेड के लिए, जो मैंने 295 का यहाँ पे बाइंग दिया था, दूसरे ही दिन अगर देखोगे उसने 13.5% का हाई लगाया था। ऐसे ही मैंने बहुत सारे यहाँ पे देखोगे तो दिए हुए ट्रेड्स शॉर्ट टर्म स्विंग्स के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो काफ़ी अच्छे दिए हैं। इसने तो एंट्री दी थी डीप इंडस्ट्रीज ने, लेकिन ये बाकी के जो है पोदार पिगमेंट्स है, साडा एनर्जी एंड मिनरल्स है, शांति गियर्स है, HFCL मैंने दिया हुआ है, इसका टारगेट दिया हुआ है, एंटरप्राइज दिया हुआ है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। और उसके बाद अगर देखोगे तो ये अगर आपको मूव्स कैप्चर करने हैं, किस तरीके से कैप्चर करते हैं इस मूव्स को, तो यहाँ पे अगर देखोगे आप तो ये मेरा एक मैंने कोर्स निकाला हुआ है, अगर आपको इंटरेस्ट है कि ये जीरो हीरो जो है ये किस तरीके से पकड़ते हैं या ये किस तरीके से कैप्चर कर सकते हैं, ऐसे मूव्स जो है डेली हम कैसे पकड़ सकते हैं, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो।
ये एक एडवांस ऑप्शन बाइंग कोर्स होने वाला है जो कि 10,000 इसका प्राइस होने वाला है। और ये एक मंथ का पूरा एक मंथ का कोर्स रहेगा जिसमें 8 सेशन होने वाले हैं। ऑनलाइन ये रहेगा, गूगल मीट पे ये होगा। 1-to-1 सेशन जो है यहाँ पे ये होने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हो कि कैसे हम ऑप्शन बाइंग से पैसा कमा सकते हैं और वो भी डेली बेसिस पे, तो आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। और टेलीग्राम चैनल से आप मुझे डीएम कर सकते हो अगर आपको कोर्स करना है ये वाला। तो इसमें पूरा आपको जो है एडवांस लर्निंग मिलेगा जो आपको यूट्यूब पे कहीं पे नहीं मिलेगा, ये सब आपको इस कोर्स में मिलने वाला है। तो इस कोर्स को आप ज्वाइन कर सकते हो। तो ये था ऑप्शन बाइंग के लिए 0 euro, ये मेरा व्यू था। और ये मॉर्निंग में ही मैंने यहाँ पे दिया था कि अगर मार्केट फ्लैट ओपन होता है तो मार्केट का ये लेवल आ सकता है। तो मार्केट ने ये लेवल हमारा टारगेट अचीव कर दिया था। ये मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, मैंने मॉर्निंग में ही व्यू दिया था अपना कि मार्केट क्या कर सकता है आज, कहाँ पे खुलेगा तो कहाँ पे जा सकता है। तो ये सॉरी 26 मारा था। अच्छा, 26 यहाँ पे ये देखो, मैंने 28 मार्च मैंने मॉर्निंग में दिया था 8:53 पे कि इस तरीके से कुछ मूव यहाँ पे हो सकता है निफ्टी में। बैंक निफ्टी का भी मैंने दिया हुआ था टारगेट, यहाँ पे ओपन होगा तो ये वाला टारगेट है, यहाँ से नीचे जाएगा। तो ये सब कैसे निकालते हैं टारगेट, किस तरीके से निकालते हैं, ये कितने पॉइंट्स का मूवमेंट हो सकता है, ये कैसे निकालते हैं, ये मैं आपको उस कोर्स में सिखाने वाला हूँ अगर आप इंटरेस्टेड हो तो। यहाँ पे मैंने आज ही एक ट्रेड शेयर किया है स्विंग प्लस लॉन्ग टर्म के लिए, अरविंद फैशन। अगर देखोगे यहाँ पे एक ABCD का पैटर्न मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और जिसका बाइंग टारगेट जो है 460 के ऊपर आप इसे बाई कर सकते हो। ये भी एजुकेशनल पर्पज़ के लिए, ये कोई बाइंग सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो इसे बाई कर सकते हो। इसका जो शॉर्ट टर्म का टारगेट है 509 से लेके 522 तक का ये शॉर्ट टर्म टारगेट है, और लॉन्ग टर्म अगर होल्ड करते हो आप तो 652 का ये मेरा लॉन्ग टर्म का व्यू है इस अरविंद फैशन में। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।